और दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्रिक ग्रू में। आज हम बात करेंगे जो डिंडीगुल ड्रैगन्स और मदुरई पैंथर्स का मैच होने वाला है उसके बारे में, ड्रीम इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे, टीम न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहा है। चलिए टीम न्यूज़ यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से बात करूँ दोनों मैचों की, दोनों मैचों में संभवतः आपके लिए कोई चेंजेस देखने को ना मिले क्योंकि दोनों ही अपना लास्ट मैच जीत के आई हैं दोस्तों, कंफर्टेबल तरीके से जीत के आई हैं, तो आपके शायद कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैच कहाँ होने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हैं इंडियन कमेंट कंपनी ग्राउंड दोस्तों, इसमें तिरुनेलवेली में मैच होने वाला है जो कि दोस्तों एक एवरेज स्कोरिंग विकेट है। यहाँ पर लगभग फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 150 है और सेकंड इनिंग्स एवरेज स्कोर अब दोस्तों यहाँ से 130 या 35 के समथिंग है, तो आपके लिए अच्छा स्कोर देखने को यहाँ से मिल सकता है। बात करें दोस्तों आपके लिए किन किन प्लेयर पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, दोस्तों जो विकेट कीपर हैं एन जगदीशन और दोस्तों नीलेश सुब्रमण्यम, इन दोनों को आपको टीम में ट्राई कर सकते हो क्योंकि दोनों ही दोस्तों टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे और शानदार बल्लेबाज भी हैं। यहाँ बल्लेबाजी डिपार्टमेंट के बारे में जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, कब किसको ऊपर भेज दें कब किसको नीचे कर दें, कि लास्ट मैच में आप देखो आर अश्विन दोस्तों जो कि मोस्ट एक बॉलर हैं इंडियन टीम में, एक बॉलर की हैसियत से खेलते थे तो फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आया, हालांकि बॉलिंग में इन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से बैट्समैन जो आर बी के विवेक हैं, अरुण कार्तिक हैं दोस्तों, चंद्रन हैं, चतुर्वेद हैं, एन एस चतुर्वेद लास्ट मैच में दोस्तों अच्छा खेला था ये, और बात करें शरत राज हैं तो ये भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। भाई जो तीनों ऑलराउंडर हैं आपके लिए तीनों ही बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं, रविरंजन चश्वन, राहेल शाह दोस्तों, रेमंडल रोहित, आपके लिए तीनों ही अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन तीनों को टीम में ट्राई कर सकते हो। और बॉलर के बारे में बात करें दोस्तों आप इन बॉलरों को टीम में ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों हम जो लास्ट मैच हुआ था उसका परफॉर्मेंस देखेंगे और दोस्तों किसने किस नंबर पर बल्लेबाजी की थी वो भी हम यहाँ से देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें हरी निशांत और एन जगदीशन, दोनों आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। जगदीशन दोस्तों बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, हालांकि लास्ट मैच में फेल हो गए थे, हरी निशांत भी फेल हो गए थे, लेकिन दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। जैसा कि मैंने बात की दोस्तों लास्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने अपने आप को प्रमोट किया था, फर्स्ट डाउन प्रमोट किया था, तो आप यहाँ देख सकते हो 37 रन जरूर बनाए थे लेकिन इन्हें विकेट कोई नहीं मिला था। इस मैच में संभवतः अच्छा परफॉर्मेंस कर दें। एन एस चतुर्वेद ने दोस्तों स्टार्ट मिला, ये भी वर्ल्ड स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, हालांकि टी ट्वेंटी में 30-35 रन अच्छा स्कोर होता है, 21 रन के स्कोर कर पाए थे। आर विवेक के बारे में बात करें दोस्तों मात्र 4 रन बना पाए, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। भाई सुमित जैन ने 10 रन बनाए दोस्तों। जो बात करें अभिनव मोहन दोस्तों आमतौर पर ऊपर बल्लेबाजी करते हैं मोहन अभिनव, लेकिन इस मैच में इन्हें काफ़ी नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, हालांकि इन्होंने 8 रन बनाए और एक विकेट भी चटकाया था। भाई बात करें रेमंटल रोहित के बारे में, इन्होंने कोई विकेट नहीं मिला था दोस्तों गेंदबाजी से। और बात करें दोस्तों यहाँ से मोहम्मद को 2 विकेट मिला और लास्ट मैच में इन्हें हालांकि नीचे ही बल्लेबाजी कराएगी लेकिन कभी कभी इन्हें फर्स्ट डाउन या सेकेंड डाउन प्रमोट कर दिया जाता था दोस्तों, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैटिंग ऑर्डर इस टूर्नामेंट में थोड़े गड़बड़ाए रहते हैं, फिर भी हम आमतौर पर जो अभी तक टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करेंगे उनको ही टीम में ट्राई करेंगे। अब बात करें दोस्तों यहाँ मदुरई पैंथर्स के बारे में, अरुण कार्तिक आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे शरत राज के साथ, दोनों ने दोस्तों लास्ट मैच आप यहाँ से देखते हो सदी हुई शुरुआत की और अपनी टीम को एक तरफा यहाँ से विन करा के दिया था, तो आप यहाँ अरुण कार्तिक 65 रन और शरत ने 33 रन, शानदार शुरुआत दी थी। उसके बाद बात करें दोस्तों नीलेश ने अच्छी दोस्तों शानदार बल्लेबाज हैं, हालांकि लास्ट मैच में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की, आप यहाँ से देख सकते हो 9 रन बनाए। उसके बाद सूर्य चंद्रा ने दोस्तों 9 रन इन्होंने नाबाद बनाए थे, बल्लेबाज शानदार हैं दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ से जगदीशन कौशिक, इन्हें कोई विकेट नहीं मिला था दोस्तों। बात करें यहाँ से सूरमा शानदार बॉलर हैं दोस्तों, हालांकि विकेट नहीं मिला था और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी ये कर लेते हैं। अभी से तनवर दोस्तों ये शानदार ऑलराउंडर हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। भाई मिथुन के बारे में बात करें लास्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाले और आकाश ने भी आपके लिए 3 विकेट निकाल के दिए थे लास्ट मैच में। भाई लोकेश राज ने दोस्तों शानदार गेंदबाजी की थी, हालांकि विकेट नहीं मिला था और राहुल शाह को 1 विकेट यहाँ से मिला था। चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारी ड्रीम इलेवन की टीम, चलिए तैयार कर लेते हैं यहाँ से हमारे ड्रीम इलेवन की टीम। जगदीशन कौशिक आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से सरन आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, इन्हें टीम में टाइम नहीं करना दोस्तों। रहेजा भी आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं है। नीलेश आपके लिए दोस्तों यहाँ से फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। अब चाहो जैसे आप टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो एक को ट्राई कर सकते हो, आप चाहो दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ से मैं जगदीशन कौशिक और दोस्तों नीलेश को टीम में ट्राई करूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की, बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों यहाँ से आर विवेक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाती है, हालांकि लास्ट मैच में इन्हें 5 नंबर पर बल्लेबाजी कराई गई थी, इतना ज़्यादा दोस्तों परफॉर्मेंस इन्होंने प्रभावित नहीं किया था। और बात करें दोस्तों यहाँ से कार्तिक के बारे में, कार्तिक आपके लिए यहाँ से ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में इन्होंने 65 रन की शानदार इनिंग्स खेल के दी थी, तो आप इन्हें यहाँ से टीम में ट्राई
कर सकते हो। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से चंद्रन के बारे में, नंबर चार पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, आप इन्हीं टीम में ट्राई कर सकते हो। चाहो तो दोस्तों शानदार बल्लेबाजी, हालांकि लास्ट मैच में इनका टॉप ऑर्डर इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी तो इनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी। आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो इन्हें अवॉइड भी कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ से एनएस चतुर्वेदी के बारे में, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, शानदार बल्लेबाजी, ए भी नंबर चार पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। आप चाहो दोनों में से किसी को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। आप चाहो चंद्रन को टीम में ट्राई करना चाहते हो चंद्रन को, आप चाहो तो चतुर्वेद को टीम में ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल चतुर्वेद को कर सकते हो। मैं यहाँ से दोस्तों एनएस चतुर्वेद को टीम में ट्राई करूंगा, आप चाहो तो चंद्रन को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करें दोस्तों आपके लिए यहाँ से हरी निशांत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, तो आप चाहो एक आध ग्रैंड लीग की टीम में हरी निशांत को भी मौका दे सकते हो। और दोस्तों यहाँ से अच्छे ऑप्शन की बात करें, यहाँ से शरत राज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, लास्ट में 33 रन बनाए थे और आपके लिए ओपन करने के लिए आएगा, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, ऑलराउंड डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों रविचंद्रन अश्विन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं, आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी इन टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात करें राहिल शाह आपके लिए अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, आपके लिए बॉलिंग के पूरे चार ओवर फेंकते हुए नजर आ जाएंगे। बल्लेबाजी डिपार्टमेंट का कोई फिक्स दोस्तों नंबर नहीं है, या तो इन्हें दोस्तों टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे या लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं दोस्तों, तब दोस्तों जल्दी विकेट गिर जाए इनके, या दोस्तों यहाँ से इनके विकेट नहीं गिरे तो इन्हें हिटिंग के लिए भेज सकते हैं। आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो इन्हें भी अवॉइड कर सकते हो। मैं इन्हें एज अ बॉलर ही टीम में ट्राई कर रहा हूँ। और उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ से आपके लिए रोहित अच्छा ऑप्शन हो जाता है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। कौशिक भी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप इनको इन दोनों में चूज करना है किसे टीम में ट्राई करना है किसे नहीं करना है। दोस्तों मैं यहाँ से रोहित को टीम में ट्राई करूँगा, आप चाहो तो दोस्तों यहाँ से सॉरी जगदीशन कौशिक को टीम में ट्राई करूँगा, आप चाहो तो रोहित को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट की, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों यहाँ से मोहम्मद आपके लिए बहुत शानदार ऑप्शन हो जाते हैं दोस्तों। सिलंबरम आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, इन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले थे, अच्छी गेंदबाजी की थी, मोहम्मद ने 2 विकेट निकाले दोस्तों, और ये बल्लेबाजी भी करते, लास्ट सीजन में इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, टॉप ऑर्डर में आके अच्छी अपने बड़े बड़े हिटों के लिए जाने जाते। उसके बाद अभिषेक तंवर आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। और बात करें यहाँ से मिथुन ने भी यहाँ से लास्ट मैच 3 विकेट निकाल के दिए थे, तो दोस्तों आप इनमें से चाहो जैसे टीम में ट्राई कर सकते हो। आपके लिए चार बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं, आप इनमें से किसी 3 बॉलर को टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यदि चारों को ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ से आप राहिल शाह को टीम में से रिमूव करके इन चारों को टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से ऑप्शंस के बारे में बात करें, आपके लिए मोहन अच्छा ऑप्शन है और यहाँ से आकाश भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, आप चाहो आकाश को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। आकाश ने भी लास्ट मैच में आपके लिए 3 विकेट निकाल के दिए थे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ से दोस्तों, जो भी ऑप्शन थे मैंने आपके लिए बता दी। जे कौशिक हालांकि दोस्तों यहाँ से आपके लिए यहाँ बॉलिंग डिपार्टमेंट में आ रहा है, आप चाहो तो जे कौशिक की जगह यहाँ से ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में आप चाहो तो रोहित को टीम में ट्राई कर सकते हो। दोस्तों दोनों ही अच्छे हैं, आप दोनों में से किसी को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों मैकेन को ट्राई करने वाला हूँ, मैं मोहम्मद को ट्राई करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ से सिलम ब्रांसन को ट्राई करने वाला हूँ, और यहाँ से मैं मिथुन को टीम में ट्राई करूँगा। आप चाहो तो अभिषेक तंवर के साथ भी जा सकते हो, ये भी शानदार गेंदबाज है दोस्तों, आप इनकी जगह नहीं लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों आर अश्विन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से जगदीशन, ये दोनों भी बहुत ट्रस्टेड ऑप्शन है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से कार्तिक को भी टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। कार्तिक भी काफ़ी शानदार दोस्तों यहाँ से बल्लेबाज हैं, आपके लिए ये 3 बेस्ट ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आप तीन में से इनमें से किसी को अपना स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में ट्राई कर सकते हो। भाई दोस्तों बात करते हैं यहाँ से ग्रैंड लीग के बारे में, ग्रैंड लीग के बारे में बात करें तो आप यहाँ से रिस्क ले सकते हो। अब रिस्क किस पे ले सकते हो दोस्तों, आप यहाँ से रिस्क ले सकते हो एन सुब्रमण्यम पे रिस्क ले सकते हो जो विकेट कीपर हैं दोस्तों, और यहाँ से राहिल शाह आप इनके ऊपर भी रिस्क ले सकते हो। और दोस्तों यदि आप थोड़ी और रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ से मोहम्मद को भी आप यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो दोस्तों। यदि 2 या 3 विकेट निकाल लिए और इन्हें ऊपर बल्लेबाजी करा दी गई और 25-30 रन बना दिए, तो इनसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं रहेगा, तो आप इन पर भी रिस्क ले सकते हो दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।